जैसे ही संजू सैमसन ने बांग्लादेश के खिलाफ मचाया तूफान, अब बीसीसीआई बना रही है ये सीक्रेट प्लान। नमस्कार, मैं हूं अभिषेक त्यागी। जी हां, संजू सैमसन ने कमाल कर दिया है। संजू सैमसन ने एक ही पारी में कई रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। सबसे बेहतर विकेट कीपर बन गए संजू सैमसन इस वक्त टीम इंडिया के, क्योंकि संजू सैमसन को लगातार नजरअंदाज किया जाता था, उन्हें मौके दिए नहीं जाते थे। लेकिन कहते हैं ना कि सो सुनार की एक लुहार की, संजू सैमसन ने ऐसा हथौड़ा मारा है, ऐसा शतक लगाया है कि अब भाई साहब बीसीसीआई संजू सैमसन के लिए एक बड़ा प्लान बनाने वाली है। संजू सैमसन को बड़ा इनाम मिल सकता है। इस शतक के बाद संजू सैमसन की किस्मत खुल सकती है। इस शतक के बाद संजू सैमसन को लेकर बीसीसीआई एक बड़ा प्लान बनाने की तैयारी कर रही है। दरअसल आपको पता है, गौतम गंभीर ने संजू सैमसन की तारीफ की है। गौतम गंभीर ने ट्वीट करके संजू सैमसन को बड़ा खिलाड़ी बता दिया है। और साथ ही साथ गौतम गंभीर ने अपने ट्वीट में यह भी जाहिर कर दिया है कि जो लोग संजू सैमसन पर सवाल खड़े करते थे, जो लोग संजू सैमसन को कमजोर खिलाड़ी बताते थे, वो लोग गलत हैं। ये गौतम गंभीर ने साफ कर दिया है कि भाई साहब संजू सैमसन को छोटा खिलाड़ी समझने की कोशिश मत करिए, ये इस दौर के सबसे बेहतर T20 खिलाड़ी हैं। अब गंभीर अगर तारीफ करेंगे तो उसका मतलब तो आपको साफ तौर पर समझ में आता है। अगर टीम इंडिया का कोच तारीफ करने लगे, कप्तान तारीफ करने लगे, तो भाई साहब किस्मत तो चमकने ही वाली है। अब खबर क्या है? खबर ये है कि संजू सैमसन एक बेहतर बल्लेबाज है, नो डाउट, इसमें कोई शक नहीं है। संजू सैमसन एक बेहतर विकेट कीपर है, नो डाउट, इसमें भी कोई शक नहीं है। संजू सैमसन को गौतम गंभीर पसंद करते हैं, इसमें भी कोई शक नहीं है। अब खबर ये है कि संजू सैमसन एक बेहतर कप्तान भी है। संजू सैमसन ने अपनी कप्तानी में राजस्थान को फाइनल में पहुंचाया है। संजू सैमसन एक बेहतर सुलझे हुए इंसान और कप्तान है। संजू सैमसन की कप्तानी की तुलना महेंद्र सिंह धोनी से होती है, क्योंकि संजू सैमसन एकदम शांत काम रहते हैं, कभी ज्यादा बोलते नहीं हैं, मैदान पर ज्यादा रिएक्शन नहीं लगाते हैं। जिस अंदाज में संजू सैमसन ने शतक लगाया था, कोई और बल्लेबाज हो जाता तो भाई साहब कूदने लगता, लेकिन संजू सैमसन बिल्कुल शांत अंदाज में संजू सैमसन ने शतक का जश्न मनाया। तो संजू सैमसन को लेकर खबर ये है कि संजू सैमसन कप्तानी की जिम्मेदारी सौंपी जा सकती है। ये संजू सैमसन को लेकर बहुत बड़ा अपडेट है कि संजू सैमसन को वाइस कैप्टन, या तो T20 में संजू सैमसन वाइस कैप्टन बनाए जा सकते हैं, ताकि सूर्या के गैर मौजूदगी में संजू सैमसन को कप्तानी दी जा सके, या फिर संजू सैमसन को वनडे क्रिकेट का रोहित के बाद कैप्टन बनाया जा सकता है। बड़ा अपडेट आ रहा है कि बीसीसीआई संजू सैमसन को इस शतक का इनाम देने वाली है, इस शतक का इनाम देने की तैयारी कर रही है। ये बड़ा अपडेट संजू सैमसन को लेकर है। जाहिर तौर पर संजू सैमसन ने जो शतक लगाया, जो पारी खेली है, वो इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गई, ये बात तो साफ है। अब ऐसे में संजू सैमसन को इनाम मिलना चाहिए, संजू सैमसन को इनाम जरूर मिलना चाहिए। इसीलिए संजू सैमसन को वाइस कैप्टन या फिर उनको कैप्टन बना देना चाहिए। आपका इस खबर पर क्या कहना है कमेंट करके बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि अपडेट मिलते रहेंगे। थैंक यू।